व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 इज द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ डिविजिबल बाय ओनली बाय 3, 5, 15, 25 एंड 75। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो दो नंबर है 525 और 3000, ये सिर्फ इन्हीं नंबर से डिवाइड होते हैं। 3 से डिवाइड होंगे, 5 से होंगे, 15 से होंगे, 25 से होंगे, 75 से होंगे। तो इस नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड है, तो सिर्फ यही जो हमारे पांच नंबर है वो इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को एक साथ कंप्लीट डिवाइड करें। तो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000? तो आपको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या है। तो सबसे पहले HCF का क्या मतलब होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप यहाँ पे देखो, इन सारे फैक्टर में से ये सारे जो इसको कंप्लीट डिवाइड करें उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 75 आपका सबसे बड़ा है। तो HCF का मतलब ये होता है, वो चाहे वो नंबर कितने भी नंबर से डिवाइड करे, बट जो मैक्सिमम नंबर है, जो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वही उसका HCF होता है। तो 75 इस दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। अब जस्टिफाई करना आंसर को, तो आप यहाँ पे क्या करो, दोनों नंबर का अलग अलग फैक्टर बना लो और HCF कैलकुलेट करके बता दो। तो इसका सॉल्यूशन राइट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो आंसर लिखते हैं, उसके बाद हम जस्टिफिकेशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन 6 में HCF ऑफ 525 एंड 3000 इक्वल टू आपका आएगा 75। तो जस्टिफिकेशन में आप यहां पे क्या लिखोगे, तो इतना जस्टिफिकेशन लिख लोगे तब भी इनफ है कि गिवन 525 एंड 3000 आर डिविजिबल बाय ओनली दिस फाइव नंबर्स, बट एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड 75 इज द हाईएस्ट अमॉन्ग देम। यानी इन सब में से 75 बड़ा है, तो वही एचसीएफ होगा। और नहीं तो आप इनके फैक्टर बना के भी देख लो कि यहाँ पे हमारा आंसर 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 525 में सबसे पहले 5 की टेबल में आया 105, फिर 5 की टेबल में आया 2 टाइम और 1 टाइम, तो फिर 3 के टेबल में आया 7 टाइम और ये 7 के टेबल में आया 1 टाइम। तो इसके फैक्टर हो गए 5 × 5 × 3 × 7। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे है 3000, तो 3000 में सबसे पहले 3 टाइम गया, 1000 आया, फिर 2 टाइम गया, तो ये 500 हो गया। फिर आपका यहाँ पे अगेन 2 टाइम गया, 250 हो गया, फिर अगेन 2 टाइम गया, 125 हो गया। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे गया, फिर से 5 से गया, 25, 5 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम 1। तो आप यहाँ पे देखो HCF आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 देखते हैं, 2 यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, तो HCF आपका यहाँ हो जाएगा 2। तो 2 यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 2 एक भी बार नहीं आ रहा, तो 2 तो आएगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट 3 देखो, तो 3 यहाँ 1 टाइम आ रहा है, यहाँ भी 1 टाइम आ रहा है, तो आपका 3 हो गया। फिर 5, 5 आपका यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, 5 यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है, तो कॉमन आपका क्या है, 2 टाइम है, तो ये हो गया 5 × 5। फिर यहाँ 7 है, बट 7 इधर नहीं है, तो ये हमारा नहीं आएगा। तो सिर्फ यही हमारा HCF होगा, जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा HCF होता है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कोई कॉमन नहीं है। तो सिर्फ हमें जो कॉमन है वही एक एक बार लिखना होता है। तो 5 × 5 = 25 × 3 आपका कितना हो गया, 75। तो आपने ये जस्टिफिकेशन में ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख के दोनों ही आंसर आपके राइट है। तो HCF आपका क्या हो गया, 75। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।